ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है x5 - y5 / x - y, फिर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए x5 डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे, y5 इसको हम डिवाइड करेंगे x - y से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए आपको मैंने मेथड बताया कि डिवाइड करने के लिए x को आपने किसी ऐसे नंबर से, ऐसे डिजिट से, ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिसे x 5 आना चाहिए। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ x 4 के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखो जरा मल्टीप्लाई कितना आता है। x 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया x 5, या x 5 आ गया। x 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया प्लस माइनस माइनस x 4 y, ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। इसका मतलब है कि अगर हम x 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x 5 आ जाएगा और साथ में x 4 y है। तो उसको मैंने इसके नीचे नहीं लिखा क्योंकि ये x 4 y जो है वो डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए उसके नीचे नहीं लिखेंगे। अब ये साइन चेंज कर दें माइनस का और ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। अब इसको हम नीचे लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एक्स फोर वाई माइनस वाई फाइव। अगेन अब हमारे पास x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे x 4 y आए। देखो x 3 y से मल्टीप्लाई करते हैं, x 3 y से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई x 3 y, तो ये बन जाएगा x 4 y हो गया माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा माइनस x 3 और y 2। फिर से साइन चेंज कर दिए, ये देखो x 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि x यहाँ पर नहीं है, x 3 और साथ में y और y y स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, प्लस के किसके साथ, x 3 y के साथ। अगेन साइन चेंज कर दें, ये प्लस का साइन माइनस में हो गया, ये प्लस माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा और इस वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे x 3 y 2 माइनस y 5। अब हमारे पास x 3 y 2 है, हमें इस वैल्यू को जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया था इसको देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x 3 y 2 को, अब मल्टीप्लाई करेंगे x 2 y 2 से, यानी x 2 और x 1 मिलके बन जाएगा x 3, यानी x 2 और x 1 कितना हो जाएगा x 3 और साथ में y 2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x 2 और साथ में y 3। साइन चेंज कर दिए, मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, x 2 y 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हटा देंगे, ये मैं रफ वर्क साथ में कर रहा हूँ। अब इसके साइन चेंज करने पर ये माइनस कटिंग हो जाएगी, ये प्लस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब लिखेंगे x 2 y 3 माइनस y 5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब x वैल्यू को देखो किससे मल्टीप्लाई करें हम x 2 को, तो हमारे पास अब देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें तो x 2 आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स वाई थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम एक्स थ्री वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स थ्री को मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर हम लिख देंगे इसके आंसर में कि एक्स वाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स टू वाई थ्री, यहाँ पर एक्स टू और वाई थ्री, ये वाली एक्स टू और वाई थ्री आ जाएगी। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, प्लस के एक्स वाई थ्री से मल्टीप्लाई किया तो एक्स टू और वाई थ्री, और माइनस इस एक्स थ्री एक्स वाई थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स वाई फोर आ जाएगा। नीचे साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का साइन और ये माइनस का, ये कटिंग हो जाएगी। अब इसको पहले लिखेंगे एक्स वाई फोर माइनस वाई फाइव, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के वाई फोर के साथ, तो ये पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई फोर माइनस वाई फाइव, और इसके बाद साइन चेंज कर देना, ये कटिंग हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स फोर ये वाला, और एक्स थ्री वाई प्लस एक्स टू वाई प्लस एक्स वाई थ्री प्लस वाई फोर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट है ये 16a5 प्लस 4a³ माइनस 4a² प्लस 3a - 1, इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे।
डिवाइड करने के लिए आपने इसका पहला डिजिट और इसका भी पहला देखना है, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट। अच्छा यहाँ देखो ए की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितनी है 5, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए 3 और होने चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 ये और 3 ये 5 हो जाएंगे मिलके। अब ये 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 16 बनेगा, 4 4 16, तो इसका मतलब है कि ये 4a3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। अब करिए जरा मल्टीप्लाई, 4 4 16 a5। अच्छा आगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 कितना हो गया 8, a और 1 और ये 3 कितने हो गए 4, लेकिन यहां पर a4 नहीं है तो हम इसको इस साइड पे लिख देंगे अलहदा, इसी लाइन में आपने यहां साइड पे लिख लेना है। कितना लिखेंगे, माइनस का 8a4 यहां पर, ठीक है, माइनस 8a4 इसी लाइन में, नेक्स्ट उस आगे जाके उसको लिख ले। अब इसके बाद 4a3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कितना आ जाएगा, प्लस का 4a3 आ जाएगा, यहां लिख देंगे। अब लाइन लगा के सारी वैल्यूज को आप साइन चेंज कर दो, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास वो पहले लिखेंगे 8a4 प्लस का साइन है क्योंकि इसके साथ वहां प्लस है, माइनस 4a2 प्लस का 3a माइनस का 1, ठीक है, यहां पे आ गया ये वैल्यू। और उसके बाद अब देखो जरा ये 4 यहां पर 8, 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, a की पावर 2 है यहां 4 है तो इसका मतलब है कि a की पावर 2 यहां पे एक और आएगा, यानी 4 2 8, a2 और a2 कितना हो जाएगा 8a4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पर पावर्स को देखना होता है, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4a की पावर 3, कैसे 3 हुआ, ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3 है। फिर उसके बाद 2a को 1 से किया तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2a2, साइन चेंज कर दें, ये माइनस ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी, ये कटिंग नहीं होगी क्योंकि ये दोनों माइनस है ये भी प्लस है। अब इसको पहले लिखेंगे 3 को, 4a3 फिर माइनस का 6a2 प्लस का 3a माइनस का 1। अब देखो 4a3 यहाँ पे 4a2 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के a के साथ, 4 का a3 बन जाएगा, 4a3 हो गया। अब 2a को a से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2a2 हो जाएगा, a को 1 से करोगे प्लस का a आएगा, साइन चेंज कर देंगे, ये साइन माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये कटिंग हो जाएगी और 4 में से 2 निकल गए, 6 में से 2 निकल गए, बाकी माइनस का 4a2, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया, प्लस का 2a और माइनस का 1। अब 4a2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 से, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a2 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2a और उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने पर ये प्लस का साइन, ये माइनस का और ये प्लस का, ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और ये हमारे पास ऊपर जो है इसका आंसर निकल आएगा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया लास्ट पर। तो ये सारी वैल्यूज 4a3 प्लस 2a2 और उसके बाद प्लस से a माइनस का a, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा।